आप पर नेता अतुल कुमार अंजन के निधन से वामपंथियों में शोक की लहर। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय सीपीआई के कद्दावर नेता अतुल कुमार अंजन का निधन हो गया। 61 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अतुल कुमार अंजन पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि वे कैंसर से पीड़ित थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने राजनीति की शुरुआत लखनऊ यूनिवर्सिटी से की थी। साल 1977 में लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने थे। अतुल अंजन को वामपंथी राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता था। अतुल कुमार अंजन के निधन से पूरे देश के वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोगों में शोक की गहरी लहर छाई हुई है। उनके निधन से तेघड़ा प्रखंड के वामपंथियों ने भी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह ने अपनी संवेदना में कहा कि मैं स्तब्ध हूँ। वो एक बहादुर और समर्पित लोक सेवक थे। उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि जनप्रिय राजनेता अतुल कुमार अंजन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अंचल मंत्री परमानंद सिंह ने अंजन के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, दमदार जननेता, बेहतरीन इंसान, संघर्ष, संकल्प, समरसता की सशक्त शख्सियत कॉमरेड अतुल अंजन का निधन समाचार दुखद और विचलित करने वाला है। ईश्वर उनके परिवार, मित्रों, साथियों को दुख को सहने की शक्ति दे। संवेदना व्यक्त करने वालों में किसान नेता दिनेश सिंह, पूर्व प्रखंड प्रमुख राम स्वार्थ सहनी, ट्रेड यूनियन के नेता बाबू साहब मिश्र, आरबीएस कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राचार्य अभिलाष कुमार दत्त सिंह, रामेश्वर सिंह स्मारक भवन अंचल कार्यालय सचिव रविंद्र कुमार, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के प्रदीप कुमार चिंटू, सनातन सिंह सहित दर्जनों वामपंथियों ने शोक संवेदना व्यक्त किया।